हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे लिए न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। आने वाले 15 तारीख को आजादी के वर्षगांठ को देखते हुए हर घर तिरंगा अभियान का पूर्णा शहर में उद्घाटन किया गया। इस समय शहर के प्रमुख रास्तों पर रैली निकालकर मुहिम को शुरुआत की गई। इस समय नगरपालिका के सीईओ युवराज पौड़ इन्होंने अपने मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समय कार्यक्रम में नगरपालिका के सभी कर्मचारी, शिक्षिका और स्कूली छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल होते हुए सबके हाथों में तिरंगा लेकर घोषणा देते हुए बड़े उत्साह के साथ छात्राओं में ये माहौल दिखाई दिया। सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्यों में अपने अलग छाप छोड़ने वाले परभणी शहर के युवा नेता अमित भालेराव पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक कार्यों में गरीबों के समस्याओं के प्रति जागरूक और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का अपन कुछ देना है इस भावना को दिल में रखकर अमित भालेराव ये हमेशा कार्य में जुड़े रहते हैं। इसी कार्य को दखल लेते हुए दयावान सरकार महाराष्ट्र राज्य ने परभणी जिला युवा जिला अध्यक्ष पद के लिए अमित भालेराव तो शहर अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप मुड़े, माथाड़ी जिला अध्यक्ष पद के लिए रमेश घनगांव इनकी नियुक्ति की है। उनके इस नियुक्ति पर परभणी शहर के खानापुर फाटा स्थित जगह पर बड़े पैमाने पर हर्षोल्लास से के साथ स्वागत किया गया। इस समय दयावान सरकार महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष संजय भाई गायकवाड़, परभणी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह टाक, परभणी जिला उपाध्यक्ष आकाश अहिरे, अध्यक्ष अमित भालेराव और उनके समर्थक बड़ी संख्या में इस समय हाजिर थे। अमित भालेराव को दयावान सरकार महाराष्ट्र के राज्य के जिला युवा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अल हुजैफ हज उमरा सर्विस शाखा परभणी की ओर से आज तारीख 10 अगस्त 2024 शनिवार के रोज शाम नंदीग्राम एक्सप्रेस से 40 हाजी रवाना हुए हैं। ये 40 हाजी उमरा करने के लिए रवाना होने के खातिर उनके साथ परभणी से शेख हातिम और शेख मुखीम, इनके अलावा मकसूद सिद्दीकी इनके रहनुमाई में परभणी से मुंबई तक सफर किया जाएगा। अल हुजैफ हज उमरा सर्विसेज ये शाखा परभणी के हजरत बिलाल मस्जिद ग्रैंड कॉर्नर के करीब स्टेशन रोड परभणी यहाँ पर रहते हुए हज और उमरा के लिए रवाना होने वाले ख्वाहिशमंद हजरात के लिए रब्ता कायम कर सकते हैं। इनका पता बताया जैसे सर हमने बताया है बिलाल मस्जिद ग्रैंड कॉर्नर के करीब स्टेशन रोड परभणी, इनके प्रोपराइटर सर्वे सर्वा जिसके रहनुमाई में ये पूरा कार्य चल रहा है अब्दुल रहीम उर्फ लड्डू सेठ, इनके रहनुमा में ये अल हुजैफ हज उमरा सर्विसेज शाखा का कार्य चल रहा है। आज तारीख 10 अगस्त 2024 शनिवार के रोज 40 हाजी नंदीग्राम एक्सप्रेस से रवाना हुए। हाजियों को हज के लिए रवाना करने के लिए आज परभणी के रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले रिश्तेदारों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। अल हुजैफ हज उमरा सर्विसेज ये 7 अगस्त के रोज परभणी के गुलशन फंक्शन हॉल में उनके तरबियत कैंप लिया गया, उसके बाद आज उन्हें यहाँ से रवाना किया गया है। अब ये सुबह 10 बजे बॉम्बे के एरोप्लेन से जद्दा उतरेंगे यानी वहाँ मक्का में उनका क़याम होगा और आगे के अरकान वहाँ से ही शुरू होते रहेंगे। ऐसी जानकारी अल हुजैफ हज उमरा सर्विसेज के शेख हातिम और शेख मुखीम इन्होंने दी है। जो ख्वाहिशमंद हजरात उमरा के लिए रवाना होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में रमज़ान के महीने में भी उमरा के लिए जाने के लिए आप रब्ता कायम करें, आसानी से रास्ता मिल जाएगा। जिस तरीके की हम बता रहे हैं कि अल हुजैफ हज उमरा सर्विसेज के जो यहाँ शाखा है परभणी में उसका पता बिलाल मस्जिद ग्रैंड कॉर्नर के करीब स्टेशन रोड परभणी, प्रोप्राइटर शेख हतीम, मोबाइल नंबर 8007687629, प्रोप्राइटर शेख मुखीम इनका मोबाइल नंबर 7031441010। इस मोबाइल पर संपर्क करें और अपना उमरा जाने के लिए आसानी से रास्ता कायम करें, ऐसी अपील की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मराठवाड़े में हमारी एक वाहिद अल हुजैफ हज उमरा सर्विस की कंपनी एक वाहिद ऐसी कंपनी है जिसके पास उमरा वीज़ा है जो कि डायरेक्ट सऊदी से हमारे जो है सो टाइप है, यानी कि हमने जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। तो तभी टूर ऑपरेटर जितने भी है, एजेंट है परभणी शहर के हो गए या पूरे मराठवाड़ा के, जिसको भी वीज़ा की ज़रूरत है, उमरा वीज़ा पूरा पैकेज के लिए चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपका नंबर? हमारा नंबर जो है सो 8007687629 और एक दूसरा नंबर है मेरा 7031441010। अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और मेला, भारत का सबसे बड़ा कार्निवल, कई मछलियों को नजदीक से देखने का सुनहरा मौका। पूरे फैमिली के साथ आइए और खिलौने का मजा उठाइए। फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए, मछलियों की कई वैरायटियां,
बड़े से बड़े और छोटी से छोटी मछलियाँ। ठिकान नूतन ग्राउंड दरगाह रोड परभनी। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की फदरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, इसका मतलब यह नहीं कि हार हुई है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट बहुमत से तीसरी बार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने नेताओं समेत कार्यकर्ताओं को नई आशा और उत्साह के साथ काम में जुटने का आह्वान किया है। आज तारीख 9 अगस्त 2024 शनिवार के रोज अक्षता मंगल कार्यालय में अब लक्ष्य विधानसभा की ओर। इस पार्श्वभूमि पर जिला स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी। इस समय वो बोल रहे थे। इस समय मंच पर विधायक सोम मेघना साकोरे बोडीकर, जिला अध्यक्ष संतोष मुरकुटे, ज्येष्ठ नेते विजयराव वरपुड़कर, उद्योग आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद वाकोड़कर, पूर्व महानगर अध्यक्ष आनंद भरोसे, विद्यमान महानगर अध्यक्ष राजेश देशमुख, विठलराव रबदड़े, भागवतराव बाजगीर, विलास बाबर, मोहन कुलकर्णी, राजेश देशपांडे, मधुकर गवाने, सुभाष अंबट, सुरेश भुमरे, भीमराव वायवल, अनूप शिरकर, सौ मंगला मुदगलकर, सौ विद्या चौधरी आदि पदाधिकारी इस नेता इस समय मौजूद थे। इस समय पूर्व मंत्री दानवे इन्होंने कहा कि सफलता और असफलता सृष्टि का नियम है, इसलिए उन्होंने हम सभी से नकारात्मक मानसिकता को त्याग कर नई आशा और निष्ठा के साथ काम करने का आग्रह किया। उठो, असंगठित हो जाओ और काम पर वापस लौट जाओ। दानवे ने विपक्ष के सभी चुनाव को बड़ा सबक सिखाने की अपील की है। इस दरमियान विधायक सौ मेघना साकोरे बोडीकर, ज्येष्ठ नेता विजयराव अर्पुड़कर, उद्योग आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष वाकोड़कर, आनंद भरोसे, विलास बाबर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुलकर्णी के साथ कुछ नेताओं ने भी अपनी विचार इस समय व्यक्त किए। इस समय जिले के कुछ दिग्गज नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को इस ठराव द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की गई। राजेश देशपांडे ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। इस सभा में पूरे जिले के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। निवडणुकीमध्ये आपल्या राज्यात नेहमीच वेगळं चित्र राहिलं आहे। आपल्या माहिती की 1999 साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळेस भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या मित्र पक्षाला जी काही सीट्स आमचे निवडून आले होते विधानसभा मतदारसंघात, जर त्याचे निवडणूक केली तर त्या ठिकाणी आम्हाला लीड होती। पण प्रत्यक्षात विधानसभेला मात्र लोकांनी त्याच वेळेस त्या दोन्ही निवडणुका असल्या तरी आम्हाला त्या टायमाला लोकांनी दिले नाही, त्यामुळं लोकसभेत जी स्थिती होती त्याच्यापेक्षा कितीतरी पण चांगली स्थिती आता राहणार। त्याचं कारण असं आहे की केंद्राचा आणि राज्याचा जो अर्थसंकल्प आला, त्या अर्थसंकल्पामध्ये जनहिताच्या अनेक योजना राज्यानं आणि केंद्राने जाहीर केल्यामुळे लोकांमध्ये सरावा जाणवली। दादा, राज्यसभेचे उमेदवारी स्पष्टाचे दिले की लोकांनी मला जो फोन दिला तो फोन मी स्वीकारला। मी राज्यसभा, विधान परिषद किंवा विधानसभा लढणार नाही। पक्षानं जर का मला सरपंच व्हायचं सांगितलं तर मी सरपंच व्हायला तयार आहे, पण मी कोणता कधी उमेदवारी मागणार नाही, कारण मी 35 वर्ष आमदार खासदार आहे। त्यामुळं आता कार्यकर्ते पक्षाचा आदेश माझ्यासाठी शेवट आहे। माझं असं मत आहे की हा समाजाचा लढा आहे, याला राजकारणाशी आणि समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन आमच्या सरकारनं आरक्षण दिलेलं नाही आहे। पण हे आरक्षण जे दिलं त्यांना ते कमी वाटते, यापेक्षा जास्त आरक्षण पाहिजे, तर त्यांचा तो लढा चालू आहे। आम्ही त्याला राजकीय रंग देऊ इच्छितो। त्यावरून त्यांनी विधान केलं की ती म्हणजे मणिपूर सारखी स्थिती महाराष्ट्रात होऊ शकते, याचा अर्थ या पक्षाचं लोक कोणत्या दिशेनं चाललं याचा विचार करण्याची गरज आहे। राजस्व पखवाड़ा जारी है, इसी में सैनिक आपके लिए यह विशेष कार्यक्रम को शहीदों के वीर पत्नियों और वीर माता पिता और उनका सम्मान किया गया। आज तारीख 10 अगस्त 2024 शनिवार के रोज राजस्व विभाग के माध्यम से 1 अगस्त से तो राजस्व पखवाड़ा शुरू किया गया है। और इस पखवाड़े में आज कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके अध्यक्षता में जिला नियोजन कक्ष में सैनिक आपके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय उप जिला कलेक्टर श्रीमती अनुराधा डालकरी, कौशल्य विकास, रोजगार और उद्योजकता विभाग के आयुक्त प्रयोग सो खंदारे ये हाजिर थे।
जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गणमान्य लोगों ने बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को शाल श्रीफल का सम्मान किया और परभणी जिले के सैनिक अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए हैं। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उन शहीदों के वीर पत्नियों, वीर माता पिता को शाल और नारियल देकर सम्मान किया गया। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों के बच्चों को, विधवा पत्नियों को और शिक्षा सहायता और छात्रवृत्ति आर्थिक सहायता के चेक दिए गए। डिप्टी कलेक्टर और सैनिकी कल्याण अधिकारी श्रीमती अनुराधा डालकर इन्होंने इस समय चिंता व्यक्त की। उन्होंने वीर पत्नियों, वीर माताओं और पिताओं को और पूर्व सैनिकों के लिए लागू सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस समय उन्होंने कहा कि जिले के आजी माजी सैनिक और महसूल विभाग के कुछ समस्याएं प्रलंबित हो तो सैनिक तुम्हारे लिए इस कार्यक्रम के तहत जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े इन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को जानकर लिया और उनको समाधान किया। उनकी उन समस्याओं को सुनकर लेने के बाद उनके निराकरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में जिले के वीर पत्नी, वीर माताएं, पिता एवं पूर्व सैनिक एवं उनके परिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हाशमी के पास बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेरोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 10 अगस्त 2024 शनिवार के रोज 9 अगस्त क्रांति दिन अवसर पर यहां के न्यू हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हाथ मदद का सामाजिक उपक्रम शैक्षणिक साहित्य सामग्री बांटकर तुम्हारे हमारे सहायता से सातवें साल में ये उपक्रम 2337 छात्राओं को स्कूली सामग्री देकर मनाया गया है। अपना इंसान सुनील गायकवाड़ इनके पहल के कारण जरूरतमंद और बेसहारा 28 छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री देकर उनको इस उपक्रम में अनोखा उपक्रम रवाया गया। इस समय छात्राओं को समय समय पर मिलने वाले मदद के सहारे ही शिक्षा पूरी करने का जो मंसूबा उठाया गया है उसी को लेकर इस बारे में सेलू के उपविभागीय अधिकारी संगीता सानप इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्य समिति के अध्यक्ष अशोक काकड़े और अन्य मान्यगणों ने भी समय अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर ऋतुराज साड़ेगावकर, इंजीनियर शिवाजीराव जोगदंड, निर्मला लिपने, कवि गौतम सूर्यवंशी, सतीश जाधव, अडिकट फोफसे, मंगल जोगदंड, शुक्राचार्य शिंदे, पुंजाराम निर्मल, भगवान शेड़के, HMBA नाइक नवरे आदि समय मौजूद थे। कार्यक्रम का प्रस्तावित सुनील गायकवाड़ ने किया तो संचालन संजय भागवत ने किया तो आभार DS मोरे इन्होंने माना। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए रामेश्वर गाड़ेकर, नारायण कास्टे, अंगद मोरे इन्होंने इस समय मेहनत लेते हुए छात्राएं, शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। नुसतं शिक्षण घेऊन डिग्री मिळवतो त्याचसोबत आपल्याला आपलं आरोग्य चांगलं ठेवून काही व्यवहारिक सामाजिक बाबी शिकायला मिळाव्या तर आज आपल्याला सामाजिक बाब काय असते, सामाजिक योगदान काय असतं या मदतीचा हात या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शिकायला मिळतोय। मी सुनीलला पुढील कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा देतो। विद्यार्थी या आधी आज तुम्ही जसं म्हणलं की काही बिल्डिंग पहा, त्याचं ठिकाण पहा, शिकवणारे पहा आणि आपली परिस्थिती पहा, तर तुम्ही त्या परिस्थितीकडे पाहू नका। आज तुम्ही या ठिकाणी मॅडम आल्या होत्या, मॅडम
तुमचे जसे मॅडम दिसले तुम्हाला त्या मॅडम म्हणजे काय त्यांची काय परिस्थिती काय होती तुम्हाला माहिती आज मॅडम झाल्यावर तुम्हाला दिसले त्यासाठी तुम्ही जे आहेत तुम्ही स्वप्न पाहायचं शिका स्टेजवर बसलेलं मॅडम मी होईल म्हणजे मी डिप्टी कलेक्टर होईल इंजिनियर बसले मी इंजिनियर होईल मी डॉक्टर होईल ते स्वप्न तुम्ही बाळगा आणि तुमच्या स्वप्नाच्या पाठीमागं लागा तुमच्या गुणेवा जे आहेत पुस्तक साहित्य कमी जास्त ते आपोआप भरल्या जात असतात तुम्ही त्याच्याकडनं देखता पाहता तुमची जिद्द कायम ठेवली पाहिजे आणि समोर ज्या व्यक्ती आपल्यासमोर दिसतात त्यांच्यासारखं आपल्याला होण्यासाठी आपलं स्वप्न मोठं केलं पाहिजे आणि त्या स्वप्नाच्या मागं तुम्ही जिद्दीनं लागलं पाहिजे इतर परिस्थितीकडे न पाहता शिकवण दिसत आपल्यासमोर तरी शाळा खूप टिकवली आहे जे काही सन्माननीय अधिकारी पदाधिकारी या शाळेचे खूप विद्यार्थी एमबीबीएस डॉक्टर झाले इतिहास या शाळेचा मी पण जवळचा आमचा नाही आताच एक महिन्यापूर्वी जाणवले माजरगाव तालुक्यातील रहिवासी प्रवीण वाजपेयी जी अत्यंत खूप मोठी महान शाळा जिथे असे 42 विद्यार्थी मिळत आले 46 विद्यार्थी 95% पुढे असे एक मंडळातले नामांकित रक्त मराठवाडा शिक्षक आहेत त्या शाळेत 10 वर्ष काम केलेला एक शिक्षक मुख्याध्यापक या शाळेत तुम्हाला माझी मंडळाने निमणूक दिली आणि निश्चितच या शाळेची प्रगती आजच्या या वया पाटी पेन सर्वी सांगितलं हे आपल्याला त्यांनी दिले त्या दिलेल्या व्यक्तीचं दोन शब्दात मुख्याध्यापक म्हणून शाळा समितीच्या वतीनं माझ्या शाळेच्या वतीनं एक आभार मानणं हे माझं कर्तव्य असते त्या प्रशासक म्हणून म्हणून या सुनीलजी गायकवाड सरांचे आपला माणूस भरतीस आहात त्यांचे प्रथमता आभार मानतो कार्यक्रमासाठी ज्या क्रांतिकारकांच्या प्रतिमा या ठिकाणी ठेवलेली आहे भगतसिंग आणि या शाळेचे अध्यक्ष संस्थापक या दोघांनाही मी वंदन करतो याचबरोबर क्रांतिकारकामध्ये राजगुरू सुखदेव आणि भगतसिंग या तिघांचं नाव एकत्र घेतलं जातं त्या तिघांनाही मी वंदन करतो क्रांती दिनानिमित्त आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अशोक नाना काकडे कार्यक्रम किती छोटा असो किंवा मोठा असो अशोक नाना यांचं एक वैशिष्ट्य आहे की कार्यक्रमात शेवटपर्यंत आपण राहायचं या त्यांच्या सद्गुणाचं मी कौतुक करतो आणि अभिनंदन करतो बाकीचे आभार चालू असताना निघून जातात पण अशोक नाना हे शेवटपर्यंत थांबत असतात या व्यासपीठावर असलेले अन्य मान्यवर सगळ्यांची नाव कमी वेळ असल्यामुळे घेत नाही परंतु आपण या कार्यक्रमासाठी ज्या श्रद्धेने उपस्थित राहिलात आणि या मदतीच्या कार्यक्रमाला आपण आपला हात जो पुढे केला त्याबद्दल आपलं अभिनंदन करतो आणि राजगुरु हे 6 वर्षाचे असताना त्यांचे आई वडील वारले परंतु लहान असताना राजगुरु हे अतिशय बुद्धिमान हुशार ते एक पाठी होते एकदा वाचलेलं पाठ व्हायचं आणि त्याचबरोबर सर्व गुणसंपन्न होते अष्टवय पहिलू व्यक्तिमत्व होत तुम्हाला अष्टपैलू करण्यासाठीच आमचे गुरुजन या ठिकाणी प्रयत्न करत असतात म्हणून सुरुवातीला आई वडील आणि गुरुजनांचा मान सन्मान ठेवणं हे प्रत्येक विद्यार्थ्याचं कर्तव्य आहे आपण शाळेत येताना आई वडिलाचा नमस्कार घेऊनच या विद्यामंदिरात पाय आपलं म्हणजे पदार्पण केलं पाहिजे आणि आल्यानंतर गुरुजनांना वंदन केलं पाहिजे देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमान मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर किडनी की खराबी लीवर की खराबी हर तरह का शुगर बालों की हर तरह की समस्या पीठ व किडनी की पथरी बवासीर हर्निया अपेंडिक्स बीपी की कमी व ज्यादती पीलिया हर तरह का चर्म रोग हर तरह का पेट रोग सफेद दाग साटिका यूरिक एसिड हार्ट डिप्रेशन अल्सर नाक कान गले की बीमारी आँख की हर तरह की समस्या टॉन्सिल हर तरह का न्यूरो रोग मिर्गी खून की कमी हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है पता बलरामपुर से चौक रोड बैरागी कॉलोनी तुलसीपुर जनपद बलरामपुर यूपी तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा परभणी का पता दरगाह रोड आजम चौक से आगे तवक्कल मेडिकल के करीब परभणी महाराष्ट्र अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें मोबाइल नंबर 9793041936
9175546259। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।